स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 7 का क्यूज अभ्यास जो कि विषय गणित का है, वीक 48 का है और 4 जून 2022 का है। इसी के साथ आपके इंग्लिश और हिंदी का भी आया है स्टूडेंट्स, तो उसको भी हम करेंगे, तो आपको जुड़े रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले गणित का। इनमें से कौन समान भिन्नों से बना है? तीन, पहला उत्तर हो जाएगा 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, सभी एक से गुना हो रहा है। अगला देखिए, विषम भिन्नों का समूह बताइए। विषम भिन्न है 1/8, 2/8, 3/4, 2/8, सभी अलग हैं। विषम भिन्न मतलब सभी अलग भिन्न। अगला देखिए, पिछले हफ्ते गुप्ता ऑटो ने अपने 6/7 मिनी ट्रक बेचे और पूरे शहर में श्रेया ऑटो ने 3/7 बेचे, तो बताइए किस कंपनी के ट्रकों का बड़ा हिस्सा बेचा गुप्ता ने बेचा, क्योंकि 6/7 है। अगला देखिए, दी गई आकृति के समान भिन्न पहचान करनी है। ये देखिए, यह है 1/4, यह है 2/4, यह है 1/3। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा सॉरी समान भिन्न है। अगला देखिए, सही गलत बताना है। समान हर वाली भिन्न को समान भिन्न कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगला देखिए, हमें निम्न की आकृतियों को बताना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 4 छायांकित हैं और कुल भाग 8 हैं। इसमें देखिए 6 छायांकित और कुल भाग क्या है 8, तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये हुआ। तो इस तरफ का निशान हो जाएगा, जिस तरफ खुला होता है ये निशान, वह बड़ी संख्या होती है, तो पहला उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भिन्न बताने हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। कुल देखिए 8 हैं और भरे हुए कितने हैं 6, 5 भरे हुए हैं, तो 5/8 हो जाएगा और ये 6/8 है, तो बड़ा कौन है 6/8, तो इस तरफ निशान लगा देंगे बड़े वाले की तरफ। अगला देखिए, एक मोबाइल कंपनी है, एक मोबाइल निर्माण कंपनी दो प्रकार के मोबाइल अथवा टाइप ए टाइप बी समान संख्याएं बनाती है और ए और बी दोनों एक महीने में क्रमशः बेचा गया अंश है 5/6 और 4/6। किस प्रकार का मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकता है? 5/6 वाला बिकता है टाइप ए वर्ग, तो प्रकार ए उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न का प्रयोग करते हुए दिन में दिए गए भिन्न की तुलना करनी है। 11/17, 8/17। नीचे वाला हर समान है तो अंश देखेंगे, अंश देखिए किसका बड़ा है 11 का, तो 11 की तरफ खुला निशान कर देंगे, तो 11/17 बड़ा हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न भिन्न को अवरोही क्रम में बढ़ाना हमें लिखना है। अवरोही क्रम में होता है सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आती है, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे लास्ट में अंत में सबसे छोटी संख्या आती है। तो सबसे बड़ी संख्या 8/7, फिर 7/9, फिर 6/9, फिर 5/9, तो इस प्रकार से आप जमाएंगे स्टूडेंट्स। अगला देखिए, दी गई किस आकृति का अंश छोटा है? तो देखिए, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है, तो देखिए कौन है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर उत्तर हो जाएगा। अगला, इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है? 41/44, सभी के अंश देखिए, हर देखिए सबके समान है 44, तो सबसे ऊपर वाली संख्या देखते हैं बड़ी वाली, तो 41 है, 41/49 उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये था हमारा गणित का आज का क्विज अभ्यास। इसी प्रकार अन्य देखने के लिए जुड़ रही चैनल से धन्यवाद।